हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज अ फ्रेंड हनी. गाइस, आज मैं बहुत दिनों से एक वीडियो बनाने की सोच रही थी पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था. काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी जो मैंने सोचा फाइनली मेरे को शेयर करना चाहिए. तो बात दरअसल ये है कि मैं पहले यूट्यूब पर बिल्कुल भी मतलब एक्टिव नहीं थी. मैं यूट्यूब वीडियोज़ देखती नहीं थी. जब से मैं खुद YouTube पे आई हूँ तब से ही मैंने इनफैक्ट YouTube चैनल देखने शुरू किए हैं, लोगों के व्लॉग्स वगैरह एवरीथिंग. नहीं तो पहले मुझे इतना इंटरेस्ट था नहीं. तो एक बी नेचुरल करके एक चैनल है, मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस उनका, वो भी दूसरा भी चैनल है, मतलब उनके दो तीन चैनल हैं. तो ये बी नेचुरल है, वो रेखा जी हैं, वो चलाती हैं, उनका है वो चैनल. तो वो कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट के रिव्यूज और हेल्थ से रिलेटेड टिप्स देती हैं और ब्यूटी टिप्स देती हैं. इस तरह का चैनल है उनका, वो बी नेचुरल वाला. और वो मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस उनका व्लॉग वाला चैनल है. वैसे तो सबको पता ही होगा क्योंकि वो लोग काफी फेमस है तो उनके बारे में पता तो होगा. खैर, तो बात दरअसल ये, जब मैं यूट्यूब देखती नहीं थी पर जब मैं यूट्यूब पे आई तो मैंने जब वीडियोज देखना शुरू किया तो मैं ये देखती थी कि काफी लोग हैं जो कि उनके चैनल के बारे में किसी ने ऐसा कहा, रेखा जी के बारे में किसी ने वैसा कहा, बी नेचुरल चैनल के बारे में किसी ने ऐसा कहा वैसा कहा. तो मुझे समझ नहीं आता था ये बी नेचुरल चैनल कौन सा है, है कौन ये इंसान जिसके बारे में इतने सारे लोग हैं जो बात करते हैं, आपस में लड़ तक जाते हैं कि उनके बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसी हुई, ऐसे लोग होते हैं ये वो फलाना बनाना. तो फिर उसके बाद मैंने सर्च किया कि बी नेचुरल दरअसल है क्या चीज, कौन सा चैनल है बी नेचुरल, कौन है ये. फिर मैंने सर्च किया तो मैंने देखा कि वो जिनका चैनल है वो काफ़ी सब्सक्राइबर वगैरह उनके हैं, बहुत हैं इनफैक्ट. तो उनके बारे में किसी ने कुछ शायद कहा होगा, फिर उनको डिफेंड करके और लोग होते हैं जो अपने वीडियो में उनके बारे में बात करते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की ये वो. फिर जो बंदा उनको डिफेंड कर रहा है और जिसको लेकर डिफेंड कर रहा है, किसके मतलब किसके बारे में नेगेटिव बोल के बोल रहा है, फिर वो बंदा उसकी वीडियो उठा के उसके बारे में बोलता है कि इसकी हिम्मत कैसे पड़ी ये सब बोलने की वो. तो मैं ये सोचती हूँ कि आपस में लड़ाई करते रहते हैं ऑल द टाइम, जबकि मुझे इतना तो पता अंदाजा है कि वो लोग अपने चैनल को खुद अच्छे से हैंडल कर लेंगे. कौन उनके चैनल के बारे में बुरा बोल रहा है अच्छा बोल रहा है, वो लोग इतना तो कैपेबल है कि खुद हैंडल कर सकें इन चीज़ों को. पर बीच बीच में लोग ऐसे कूद जाते हैं आग में, फिर वो बोलेंगे उनके बारे में उल्टा सीधा कि ये इनकी हिम्मत कैसी हुई है वो. तो मुझे कहीं ना कहीं समझ में ये नहीं आता कि कुछ लोग सिर्फ लड़ाई करके ही अपने चैनल को चला रहे हैं और यहाँ पे क्या ऐसा नया कंटेंट लाएं जो लोगों को अच्छा लगे, कौन सा ऐसा DIY लाएं जिसको लोग देख के बोले कि वाह ये तो हमने पहले देखा नहीं था, या ये तो बहुत अच्छा है, या हनी ने तो बहुत अच्छा काम किया है, या जो भी. और वहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं है. कुछ यूट्यूबर तो इनफैक्ट ऐसे भी हैं, मैं नाम नहीं ले रही, पर मैंने लिटरली देखा फाइट करते हुए, जिनको प्रॉपरली बात करने की तमीज नहीं है वो यूट्यूब चैनल बना के बैठे हैं और इनफैक्ट अपने व्यूअर से ही कई बार लड़ते हैं वो लोग. तो फिर लेकिन ऐसे लोगों को नेगेटिव कमेंट बहुत आते हैं. मैंने ये भी चीज देखा, कमेंट बॉक्स में जाके देखो उनको, अगर टोटल 100 अगर उनको कमेंट आए उसमें तो 50 नेगेटिव 50 पॉजिटिव आते हैं. तो सोचिए कि मतलब किस तरह से लोग हैं जो अपने चैनल को चला रहे हैं और फिर किसी यूट्यूबर को पकड़ लिया कि उसके साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, उसके ऊपर वीडियो बना दिया. मेरे को लगता है अपना अपना चैनल देखो यार, या दूसरे के चैनलों से तुम्हें लेना देना है. फिर खासकर से मेरे को कुछ लोग बहुत स्टूपिड भी लगते हैं, जो मतलब वो रेखा जी जो है वो चैनल जो चला रही हैं. जब मैंने सर्च किया उनको कि कौन है ये बी नेचुरल वाले जो इनका जिनके बारे में ये बातें हो रही हैं, तो मैंने उनके लगभग 5 महीने से अभी तक मैंने उनके काफ़ी सारे उनके बी नेचुरल वाले सारे वीडियोस देखे हैं. सारे नहीं तो कम से कम अराउंड 30-40 तो देख ही लिए हैं. और ब्लॉग्स तो मैं लगभग आए दिन देखती हूँ, मुझे वो बहुत दोनों अच्छे भी लगे इनफैक्ट, नेचर वाइज भी और मतलब हर तरीके से. तो मैं वही सोच रही थी कि अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं ये लोग, क्यों मतलब किसी किसी को इतनी जलन होती है कि उनके बारे में उल्टा सीधा बोल देते हैं. नहीं तो खुद सोचिए जो लोग, क्योंकि मैंने खुद उन लोग का जब मैंने वीडियोस देखने शुरू किए तो मैंने उनके स्टार्टिंग के वीडियोस से लेके अभी तक में 50-60 मैंने बीच बीच में छान के बाकायदा देखे थे. तो देखा मैंने कि उन स्टार्टिंग से लेके अभी तक में उनके जो वीडियोस का जो काफ़ी जो चेंज आए वीडियोस में, उनके बैकग्राउंड में हर तरह का चेंज आया है. पहले मैंने ये देखा था कि वो लोग
मेरे ख्याल से चैनल शुरू करे हुए शायद 3 साल लगभग, तीन तो शायद हो गए हैं, तो काफी मेहनत करी होगी तब इस मुकाम पे पहुंचे हैं। सोचिए मतलब इतनी मेहनत, मतलब सबको करना चाहिए तभी वो तुम मकाम हासिल कर सकते हो। किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने से वो मकाम हासिल नहीं कर सकते हो, और ना किसी से लड़ने से नहीं कर सकते हो, लेकिन मेहनत करने से कर सकते हो। क्योंकि मेरे को उनके मतलब चैनल को देख के काफी मोटिवेशन मिली थी उस दौरान में, तो मुझे लगा था कि कितने मतलब इन्होंने मेहनत की है तब जाके इनकी अभी आज ये इस स्टेज पर आए हैं, इस पोजीशन पे हैं। कि मैंने इनका घर देखा था, उनके जो वीडियोस थे पहले वाले पुराने, उनके बी नेचुरल वाले वीडियोस में देखती थी जो, तो उसमें मैंने बैकग्राउंड में देखा जिस हॉल में वो मतलब जो जिस कमरे में उनकी एंट्री होती थी, जिस घर में एंट्री होती थी, वही सोफा पड़ा था उनका, वही उनका बेड था, वही उनके वार्डरोब रखे थे, वही डाइनिंग टेबल था, वही टीवी था। यानी एक टोटल मतलब एक बड़ा सा कमरा था जिसको लोग उन्होंने उसको यूज किया था। मतलब मुंबई में रहना, और आप लोगों को खुद ही आइडिया होगा कि मुंबई में रहना इतना आसान बात नहीं है, तो वो एक जो कमरा उनका था उसका ही उन्होंने कितना रेंट पे किया होगा, और तब वो लोग रहे होंगे वहां पे। पर उन्होंने वीडियोस के मतलब मेहनत कर करके बना बना के, अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन दे के सब करके आज ये इस मुकाम पे आए। वो कि मैंने उनके ब्लॉग्स देखे थे कि उन्होंने वहां पे 3 BHK फ्लैट उधर ही मुंबई में ही कोई, कौन सा बिल्डिंग है मुझे नहीं पता, कौन सी सोसाइटी में लिया ये नहीं आइडिया मुझे, लेकिन 57th या 58th फ्लोर पे शायद उनका घर है। इनफैक्ट वो ब्लॉग मैंने देखे हुए हैं उनके, तो मुझे खुद पता है। तो मुझे वही लगता है कि मेहनत करने से आज उन्होंने वो जो 4 दीवारी का घर था जिसमें बेड टीवी सब कुछ एक साथ रखा था उनका, डाइनिंग टेबल, लोग कमेंट में बोलते भी थे कि आपका जहाँ पे बेड पड़ा हुआ है वहीं आपका डाइनिंग टेबल रखा हुआ, वहीं टीवी है, क्या चक्कर है ये वो। तो कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मुंबई में रहते हैं तो इतना सर्वाइव वहाँ पे बड़ा घर लेके करना मुश्किल है, तो समहाउ अपना मैनेज करते हैं इंसान। तो पर आज की डेट में उनकी ये पोजीशन उन्होंने खुद की है पिछले 2-3 साल में, जब से उन्होंने अपना चैनल बनाया है और लोगों को दिल जीता लोगों का, तो आज की डेट में वो इतना आलिशान घर में रह रहे हैं दोनों लोग, हस्बैंड वाइफ। और मुझे समझ में ये नहीं आता कि कई लोग हैं ऐसे जो उनके, कुछ मैंने सुना भी था बीच में कि उन्होंने फिर रिपोर्ट भी की थी उन लोग के खिलाफ, किसी कोई लेडी के खिलाफ मतलब कोई रिपोर्ट वगैरह किया था, उसने शायद गलत गलत बोला था। कई बार उनके वीडियोस को लेके लोग गलत बोलते हैं कि कैसे वीडियो बनाती, अच्छे खासे वीडियो बनाती है, नॉलेज देती है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता लोग क्या देखते हैं और क्या देखना चाहते हैं। यहाँ तो कंटेंट के लिए इतना परेशान रहते हैं लोग, सिर्फ लड़ लड़ के ही अपना चैनल चलाए जा रहे हैं। मेरे को बनाए हुए चैनल अभी 4 महीने हुए हैं, पर 4 महीने में मैंने देखा कितना स्ट्रगल होता है यूट्यूब की लाइफ में, दिन रात का सोना उठना बैठना तक परेशानी हो जाती है बहुत ज्यादा। तो वही है, लोग मेहनत तो समझेंगे नहीं, मेहनत करना चाहते नहीं है, बस उनको लगता है बैठ के हमको बस मुकाम हासिल हो जाए, हमको तरक्की मिल जाए, ऐसा नहीं होता है ना। मेहनत करो, दूसरों जल के क्या मिलेगा आपको। इनफैक्ट अगर आपको किसी से जलन है तो आप कम से कम कॉम्पिटिशन में तो आगे निकलो, कि बस जलते रहो अनाप शनाप उनके चैनल के बारे में कहते रहो। अगर ताकत है तो इनफैक्ट अपना कुछ करके दिखाओ ना, तब उनसे जलो तो बात भी है। मुझे तो ये समझ नहीं आता, पर खैर मैं तो सही बताऊं, मैं तो उनके, मेरे को तो उनके चैनल में कोई प्रॉब्लम दिखी नहीं, पर वही है लोगों का सोचना, लोगों का करना, आपस में लड़ाई करना दिन रात, पता नहीं कितने कितने, मैं तो यही सोचती रहती हूँ कि फिर ये लोग लड़ते हैं, फिर नेगेटिव कमेंट आते हैं, तो मुझे वही लगता है कि नेगेटिव कमेंट आने से अंदर से खुद को वैसा नहीं लगता है क्या, मतलब शर्म नहीं लगती क्या, कैसे मतलब लोग टॉलरेट कर लेते हैं ये सब चीज़ें। बाप रे, मुझे तो समझ में भी नहीं आता। हम तो बस यही सोच ट्राई करते रहते हैं क्या नया लाएं ताकि लोगों को हम एंटरटेन भी कर पाएं, साथ में कोई नॉलेज भी दे पाए, साथ में कुछ सिखा भी पाएं। पर वही है, लोग कुछ लोग हैं तो बस इसके चैनल से जलना, उसके चैनल से जलना, अपनी खुद की देखना नहीं, गिरेबान में झांक करके हम क्या कर रहे हैं दूसरों के चैनल के सिवाय। हम अपने चैनल पर तो फोकस करें कि दूसरे के उस पर ही बस जलन जलन से वो करते रहो। तो मैं एक चीज़ और, जो मैं उन लोगों का एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें वो लोग घर शिफ्ट कर रहे थे, तो वो जो उनके हस्बैंड है प्रिंस जिनका नाम है, तो वो शायद उस घर, अपने पहले वाले घर में उन्होंने शायद शूट किया था, तो वो थोड़े इमोशनल हो रहे थे वहाँ पे उस वाले घर को छोड़ने में। तो वो चीज़ हम फील कर सकते हैं कि कोई इंसान अगर छोटे से दायरे में रह रहा है, फिर वो इस लेवल पे अपने आप को लेके आए कि वो इतने बड़े जगह में रहे, तो इमोशनल तो होगा ही। इनफैक्ट वो वीडियो देख के मुझे भी बहुत खराब लग रहा था, मैं रोना आ रहा था मुझे भी कि यार देखो इन्होंने इतनी तरक्की की है, तो अब इस घर को छोड़ने में बुरा लग रहा है कि इन्होंने यहाँ पे 4-5 साल यहाँ पे बिताए हैं और
छोड़ रहे हैं उसको, तो मुझे मैं बहुत इमोशनल उस समय, मतलब मेरे को भी देख के लगा। तो वही है कि पर वही है ना, लोगों का समझ में नहीं आता क्या लोग चाहते हैं, क्या करते हैं। अब मेरे को तो खुद ऐसा कभी कभी लगता है कि ये सब चीज़ों के लिए मुझे भी रेडी रहना चाहिए, क्योंकि आगे जाके फिर मेरे भी हेटर्स आ जाएंगे। अभी तक तो कोई है नहीं ऐसा, अभी आया नहीं है मेरे चैनल में। मे भी मेरा चैनल अभी नया है, मुश्किल से 4 महीने हुए हैं मेरे, 20 तारीख को 4 महीने पूरे हुए हैं। तो मुझे अभी तो नहीं पता कि ये हेटर्स वाला जो असली जो मज़ा होता है वो क्या चीज़ है। मुझे तो अभी तो मैंने तो उस चीज़ का टेस्ट लिया ही नहीं है। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता भी है कि जो हेट कमेंट्स आते हैं उनसे हर्ट बहुत होता है कई बार। इनफैक्ट बिना सो मेरे को तो कभी कभी लगता भी है कि लोग कमेंट लिखते हैं तो एटलीस्ट जिसका वीडियो पसंद है तो देखो, नहीं पसंद है तो मत देखो, पर गलत सलत कमेंट तो मत करो, पर क्या कर सकते हैं। चलिए गाइस, मुझे तो बस इतना ही कहना था। और पता नहीं क्यों मुझे तो ये जलन का जो मेन जो जलन का जो रहता है ना, ये क्यों इतना चिढ़ रहती है दूसरों के चैनलों से, नहीं रखना चाहिए, गलत है बिल्कुल। अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। कि कोई अगर अच्छा खासा यूट्यूबर है, थोड़ा बड़ा है, तो उसका उसके उसको कहीं ना कहीं उसको बदनाम करने की कोशिश या उनके बारे में कुछ बोलने की कोशिश, उनके हस्बैंड वगैरह के बारे में भी कई लोग मतलब कुछ कुछ बोला गया है, बहुत गलत है ये सब। ऐसा होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। सब अपने अपनी जगह पे मेहनत कर रहे हैं, अपने अपनी जगह पे अच्छा ही कर रहे हैं अपने लिए। और पता नहीं लोग क्यों ऐसा बोलते हैं, नहीं करना चाहिए ऐसा बिल्कुल भी। मैं तो बस यही बोलती हूँ कि भाई मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आप लोग मेरे वीडियो आप लोग को पसंद आए तो आप लोग देखिए, नहीं आए तो मत देखिए। लेकिन प्लीज़ कुछ नेगेटिव कमेंट मत कीजिए, क्योंकि उससे इंसान डिमोरलाइज हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसको मोटिवेशन नहीं मिलती है। तो मेरे प्लीज़ मैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि लोग बस अगर मोटिवेट कर सकते हैं तो करें, डिमोरलाइज तो बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि हर एक इंसान अपनी अपनी जगह पे बहुत मेहनत कर रहा है, वो किन किन हालातों से गुजर रहा है, कितना प्रेशर ले रहा है दिन रात का, वो ही जानता है, और नहीं कोई समझ पाएगा। मेरे को बस यही बात शेयर करनी थी। तो बस मेरा तो आज का एक तरीके से सीख समझ लीजिए, मैं एक सीख दे रही हूँ, जो मेरे वीडियो देखे से ये सीख ले कि दूसरों से जलने से बेटर है अपने चैनल पर फोकस करो। और चलिए गाइस, फिर मिलेंगे आप लोगों से कल या परसों। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि अभी बहुत लंबा हो जाएगा, वरना बोलने का तो बहुत कुछ है, लेकिन चलिए इतना बहुत है आज के लिए। और मिलते हैं आप लोगों से परसों या कल, देखते हैं कब मिल सकते हैं। और तब तक आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक देना मत भूलिएगा। और मैंने जो बोला है इसमें मैंने कुछ खराब तो नहीं बोला, मुझे कमेंट के थ्रू बताना ज़रूर कि मैंने कुछ नेगेटिव तो नहीं बोला है किसी के बारे में। वैसे मैंने नाम नहीं लिया है किसी का भी कि किसने क्या बोला है, पर मैंने उनका ही नाम लिया जिनके जिनके ऊपर ये सब लड़ाइयाँ होती रहती। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। जो लोग मेरे चैनल पर नए गए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जिन्होंने किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उनके लिए धन्यवाद। और मिलते हैं आप लोगों से परसों, तब तक के लिए हानि को इजाज़त दे दीजिए।